छत्तीसगढ़ में बीजेपी 24 अगस्त को रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाली है। इससे पहले बिलासपुर में रविवार रात भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मशाल जुलूस भी निकाला। इसमें विधायकों के साथ बीजेपी नेता भी सड़क पर उतरे। आपको बता दें, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से प्रदेश के युवाओं के साथ छल किया है, इससे उनका भविष्य अंधकारमय लग रहा है। वे ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रविवार रात लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से मशाल जुलूस कोतवाली चौक, गोल बाजार, सदर बाजार होते हुए देवकी नंदन चौक तक निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बिल्ला विधायक धरमलाल कौशिक, मस्तूरी डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांधी, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे सहित बीजेपी नेता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि मशाल जुलूस के पहले विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं बिल्ला विधायक धरमलाल कौशिक ने करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय से लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस आंदोलन में प्रदेश भर से लाखों की संख्या में युवा रायपुर से जुटेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रोजगार और बेरोजगारी भत्ता मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस आंदोलन में प्रदेश भर से लाखों की संख्या में युवा पैच इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस आंदोलन में प्रदेश भर से लाखों की संख्या में युवा रोज पैच रायपुर से जुटेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।